जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो का कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसी से रिलेटेड आज हम आपके सामने लेके आए। कल बेसिक वन का जो थोड़ा सा बच गया था वो हम आपके सामने पूरा करेंगे। आज बेसिक टू का कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाएंगे, बेसिक थ्री का कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाएंगे। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको बेसिक चीज के साथ साथ आपको अच्छे अच्छे चीज को सीखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इसमें इस वीडियो पे आपको एक ऐसी चीज को सीखने मिलेंगे जो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन आप जो अभी हम बताएंगे उससे काफी आपका डिफरेंट होगा। जो आपका पहले का कॉन्सेप्ट होगा, अभी का कॉन्सेप्ट होगा, दोनों का कॉन्सेप्ट में आपका आसमान जमीन का अंतर होगा। तो आप हमारे वीडियो पे लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस टॉपिक का आपको पूरा पूरा फायदा मिल सके। मल्टीप्लाई से रिलेटेड, कैलकुलेशन के किसी भी चीज से रिलेटेड, डिवाइड से रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम होगा तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए। आपको प्लेलिस्ट पे सारा हमारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे एक से एक वीडियो मिलेगा, आप उस वीडियो को देखकर आपका आपका कैलकुलेशन जो काफी फास्ट हो सकता है। तो आपका आपका ये उद्देश्य बनता है कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए और आपका कैलकुलेशन का सारा वीडियो आप जाके देखिए। यदि इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम का जो आपका जो प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन का जो प्रोसेस होता है, आपका 100% गारंटी देते हैं कि आपका कैलकुलेशन हमें फास्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक कुछ स्टार्ट करते हैं। कल का जो टॉपिक हम किए हुए थे उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। कल बेसिक वन में दो पॉइंट हमारा छूट गया था और दो पॉइंट को आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हम बेसिक थ्री को आपके सामने लाएंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करें बिना विलंब किए हुए। हमारे मैथ्स रूप से लेकर लास्ट तक बने रहेगा ताकि टॉपिक आपको बेनिफिट मिल सके। तो कल हम बात किए थे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का बात किए थे। क्या बात किए थे? इंटरसेक्टिंग का पॉइंट बात किए थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है कि दो लाइन, ठीक है, दो लाइन जो है, दो ये हमारा जो लाइन है किसी एक बिंदु पर जो इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोले थे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोले थे। जो नया जो कॉन्सेप्ट जो लाया आपके सामने, कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आया है, ऐसे पहले ही आपका वीडियो पार्ट वन में बोल चुके हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। क्या बोल चुके हैं? कॉन्सेप्ट इज पावर, मतलब कि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के लिए पांच बार दस बार सोचिएगा कैसे हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले, कॉन्सेप्ट इज पावर। और आज फिर हम आपके सामने वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को देना चाह रहे हैं जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप सबको ही जानते होंगे, लेकिन जो हमारा बताने का जो कॉन्सेप्ट है वो सबके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भिन्न होगा। तो चलिए आप हमारे मैथ प्लेटफॉर्म पे बने रहे और यहाँ पे देखते रहे कि हम कैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, कि सबसे पहले हम जो आपको बताए थे क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं कंकरेंट लाइन किसको कहते हैं। कंकरेंट लाइन क्या होता है आप यहाँ पे देखते जाइएगा किसको क्या बोल रहे हैं। सो कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन क्या होता है? मोर देन टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए सेम पॉइंट। बोलने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे हम बोल क्या रहे हैं, मोर देन टू लाइन्स, मोर देन टू लाइन्स, मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एट ए सेम पॉइंट, एट ए सेम पॉइंट। बोलने का मतलब क्या है कि मोर देन टू लाइन्स, मोर देन टू लाइन्स मतलब कि ये हमारा टू लाइन्स हो गया, टू लाइन्स मोर देन टू लाइन्स मतलब दो लाइन से ज्यादा, मतलब एक लाइन इधर हो गया एक लाइन इधर हो गया, जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, जो इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन बोलते हैं। कंकरेंट लाइन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं समवर्ती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवर्ती रेखाएं। आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जान गए होंगे क्या कि समवर्ती रेखाएं किसको कहते हैं, कंकरेंट लाइन किसको कहते हैं। तो मोर देन टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ए सेम पॉइंट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कंकरेंट लाइन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि नेक्स्ट पॉइंट हम आपके सामने कौन सा बताने वाले हैं। सो आप लोग एक एक करके नोट करते जाइएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बगल में घंटा का चिन्ह होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि हम जितने भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए इसके बाद हम आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा यहाँ पे है। तो सबसे पहला बात हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि अच्छे अच्छे पॉइंट के तौर पर हम आपके सामने कौन सा पॉइंट लेके आए हुए हैं। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हम लेके आए हुए। तो बात करते हैं यहाँ पे हम प्लेन का, बात करते हैं प्लेन। प्लेन क्या होता है ये आप यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्लेन क्या होता है, तो आप यहाँ पे एरोप्लेन वाला बात मत कीजिएगा, यहाँ पे एरोप्लेन वाला बात मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्लेन दूसरा प्लेन है, यहाँ हमारा जो प्लेन जो है दूसरा प्लेन है, वहां ऊपर में जुड़ता है वो दूसरा प्लेन है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या कि प्लेन में क्या क्या होता है। तो प्लेन जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे ये प्लेन। अब बोल रहे हैं सर जी
ये तो हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है या तो स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो चीज है नहीं, वो चीज है नहीं। तो प्लेन का हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लंबाई होता है आपका, क्या होता है लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, क्या होता है चौड़ाई होता है, लेकिन क्या बोल देंगे ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई क्या होता है नहीं होता है, ऊंचाई क्या होता है नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है प्लेन में क्या होता है लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई बिल्कुल नहीं होता है। ये आपको हम बताएं बेसिक वन कॉन्सेप्ट पे बताएं, बेसिक वन था, पहला बेसिक था। अब हम सेकंड बेसिक के बारे में बात करेंगे क्या कि सेकंड बेसिक में कौन कौन सा पॉइंट आपके सामने हम लेके आए। ये आपका पहले वाले वीडियो का 2 पॉइंट छूटा हुआ था, वो हम आपके सामने ले आए। पहला पॉइंट छूटा था कंकरेंट लाइन के बारे में छूटा था, दूसरा पॉइंट छूटा था आपका प्लेन के बारे में छूटा था। अब हम यहाँ से बात करते हैं बेसिक टू के बारे में, बात करते हैं कि बेसिक टू हम आपके सामने कौन सा लेके आए हुए हैं। सबसे पहले ही आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे नींव का पत्थर। नींव का पत्थर बोलने का मतलब है गुड़ी, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुड़ी बोलते हैं, मतलब गुड़िया तेज रहेगा तो घर वो अच्छा से बनेगा, और वही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर घरवा तो डगमगाएगा ही डगमगाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिक टू के बारे में, बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम बेसिक टू के बारे में बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहला बात हम यहाँ पे करेंगे बेसिक टू। बेसिक टू में क्या होता है, सबसे पहला बात हम यहाँ पे करते हैं एंगल का बात करते हैं। एंगल किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल किसको कहते हैं, सारा एक एक करके हम आपको बताएंगे। बस भागिएगा नहीं, हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हमारे वीडियो का आपको पूरा पूरा फायदा। आप करते हैं एंगल्स के बारे में, आप लोग यहाँ पे एंगल्स का नाम सुनते ही आप लोग बोलेंगे सर जी इसको तो हिंदी में हम लोग कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं पे कौन बोलने का मतलब क्या, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। आप यहाँ पे देखते जाइएगा क्या हम यहाँ पे बोलने वाले। टू रेज जिनका स्ट्रेट लाइन कॉमन पॉइंट होता है। चलिए सर जी हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, टू रेज जिनका स्ट्रेट लाइन कॉमन पॉइंट होता है, बोलने का मतलब क्या है, ये आपका एक रे आ गया, दूसरा रे आपका ये चला गया, ये दोनों का कॉमन पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ के बीच का जो हमारा एक एंगल बनाएगा, मान के चलिए आपका ए है ये आपका बी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एंगल बोलेंगे, क्या बोलते हैं सर जी एंगल बोलते हैं। मतलब यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि टू रेज जिनका स्ट्रेट लाइन कॉमन पॉइंट हो, टू रेज जिनका स्ट्रेट पॉइंट एक कॉमन लाइन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं। एंगल किसको कहते हैं, क्या बात करते हैं एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। तो ये आपका बेसिक टू में आपका फर्स्ट पॉइंट था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। सर जी न्यून कोण क्या होगा, सर जी न्यून कोण क्या होगा, बिल्कुल आपको हम बताएंगे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के थ्रू से हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रे हो गया। रे के बाद हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल जो होता है उसके बीच का एंगल क्या होता है थीटा होता है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। बोलने का मतलब क्या, एक्यूट एंगल हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखते जाइएगा। सबसे पहला बात हम यहाँ पे ये थीटा का बात कर रहे हैं, ये जो थीटा होगा हमेशा क्या होगा होगा, ये जो थीटा जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन लेकिन सर जी 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, क्या होगा 90 डिग्री से आपका छोटा होगा। एक्यूट एंगल हम उसी को कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, तो उसे हम क्या एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं राइट एंगल का बात करते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल हम किसको बोलते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट एंगल हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं समकोण को बोलते हैं। समकोण जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा सर जी कि 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, समकोण
कोण, मतलब क्या समकोण बोलने का मतलब क्या है कि ये आपका जो एंगल जो होगा आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा सर जी, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि ये हमारा थीटा किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा। पे बात की है क्या कि 90 डिग्री जो है ये हमेशा किससे होगा, ये आपका सपोज यहाँ पे हम क्या बोले थे, एक्यूट एंगल में क्या होता है जो थीटा जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री जो होगा आपका 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा लेकिन क्या होगा, 0 डिग्री से क्या, बड़ा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या समकोण राइट एंगल ट्रायंगल पे। उतना हमको दिमाग नहीं दौड़ाना है, बस हमको इतना जानना है क्या कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है हमेशा और हमेशा यहाँ पे जो एंगल बनाता है वो कितना का बनाता है, तो वो आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम बात करते हैं सर जी इसके आगे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बात करते हैं। चलिए हम यहाँ पे चौथा पॉइंट हम आपके सामने लेके आए हुए हैं, ये आपका है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल हम लोग बोलते हैं अधिक कोण के बारे में। क्या बात करते हैं, अधिक कोण क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा सर जी, यहाँ पे अधिक कोण किसको बोलते हैं। अभी तो हम 90 डिग्री का बात किए हैं, जैसे सबसे पहला जो एंगल हम बात किए थे वो आपका एक्यूट एंगल का बात किए थे। ठीक है, एक्यूट एंगल के बाद हम बात किए यहाँ पे राइट एंगल का बात किए हैं। क्या बात किए हैं, राइट एंगल का बात किए थे। अब हम बात कर रहे हैं क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ये जो होगा आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या सर जी कि कैसे कैसे हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, कैसे हम आपको बताना चाह, ये जो होगा हमारा 90 डिग्री से क्या होगा, थीटा का मान जो होगा, थीटा का जो मान होगा 90 डिग्री से थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन सर जी 180 डिग्री से क्या होगा, तो छोटा होगा। थीटा का जो मान होगा सर जी 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से जो छोटा होगा उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ये बेसिक चीज है सर जी, लेकिन ये हर जगह काम आपको आएगा, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपका आएगा, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन जब जैसे जैसे आपको देंगे आपको समझ में आते रहेगा कि यहाँ पे जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अभी यहाँ पे कितना हमारा काम दे रहा है। सो चलिए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं क्या कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सरल कोण बोलते हैं, सरल कोण या तो सरल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कोण या तो सरल लाइन बोलते हैं। ठीक है, सरल कोण या तो सरल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक नाम से जानते हैं, रिजू कोण से जानते हैं। क्या जानते हैं, रिजू कोण से। हम इसको आपके सामने अच्छे तरह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रिजू कोण या सरल कोण किसको कहते हैं। ये सपोज ये हमारा क्या है, एक प्लेन है। क्या है हमारा, एक प्लेन है, एक लाइन है। यदि हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये हम यदि यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, यहाँ भी हमारा 180 डिग्री कोण बन जाएगा। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ भी हमारा 180 डिग्री का पॉइंट बन जाएगा। मतलब टोटल मिला के जो ये क्या होगा, हमारा 180 डिग्री का जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजू कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजू कोण बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या होगा, थीटा बराबर यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरल कोण बोलते हैं। चलिए सर जी इसके बाद हम आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं छठा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर जी, वृहत कोण क्या होता है, वृहत कोण इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वृहत कोण। वृहत कोण में क्या होता है सर जी, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये हमारा एक एंगल है,
एक हमारा ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, एक एंगल हमारा इस टाइप से होगा। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा अच्छा तरह से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से समझिएगा हम देगा। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलने का मतलब क्या है कि 180 डिग्री ये जो होगा थीटा, और यहाँ पे 360 डिग्री होगा। ये बोलने का मतलब क्या है कि ये जो थीटा होगा 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। अब देखिए हम यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या बोले 180 डिग्री से क्या होगा, थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। तो 180 डिग्री तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे एंगल इसको खींचे हुए, तो ये क्या होगा, ये तो हमारा 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री से क्या है, इस साइड पे है, और 360 तो जब ये हमारा यहाँ से लेकर जो जाएगा, ये पूरा जो हमारा एरिया सट जाएगा, तब तो हमारा कितना का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, इसको पूरा सटाए नहीं है, इसको पूरा सटाए नहीं है, मतलब ये हमारा इतना ही दूर तक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि 180 डिग्री से क्या होगा, थीटा जो होगा बड़ा होगा। और यही हम यहाँ पे क्या किए कि 180 डिग्री से क्या होगा, थीटा बड़ा होगा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, वृहत कोण बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं। कुछ अलग बात करने का मतलब क्या है, कुछ अलग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलिए सर जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट एंगल के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल किसको कहते हैं, पॉइंट एंगल के बारे में बात करते हैं। ये 7 नंबर पॉइंट जो है, ये आपको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण हम कोण। यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, संपूर्ण कोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण कोण क्या होता है सर जी, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब बोलने का मतलब क्या है सर जी, कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 बात करते हैं क्या, कि ये जो हम 360 डिग्री का क्या बात किए हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, सबसे पहला बात इसको समझिएगा कि हमारा प्लेन हो जाएगा। यहाँ से यदि ये हमारा होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री फिर यहाँ पे मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण मतलब क्या है, एक सर्कल में जो पूरा होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और यही आपका संपूर्ण कोण कहलाता है। यदि आपको इस टाइप से वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा होगा, हमारा वीडियो को अपने समझ में आ रहा होगा, हमारा जो बताए बताए गए कॉन्सेप्ट को यदि आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अब हम इसके नए वीडियो पे बात करेंगे, जो आपके सामने जो लेके आएंगे वो बेसिक 3 के बारे में बात करेंगे। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए होंगे तो, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ ही आप दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि किसी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड किसी भी चीज को दिक्कत होगा तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा कैलकुलेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक हमारे मैथ प्लेटफॉर्म में रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।